गोहर उपमंडल की ज्योणी घाटी इन दिनों मानव परिंदों से सराबोर हुई पड़ी है। बहुत से पैराग्लाइडर यहां हवा में उड़ान भरकर घाटी को निहारने का आनंद उठा रही हैं। हालांकि अभी यह साइट सरकार की तरफ से अधिकृत नहीं की गई है, जबकि शौकिया तौर पर पैराग्लाइडर यहां आकर उड़ान भर रहे हैं। ज्योणी घाटी की डूंघाधार की पहाड़ी तक सड़क सुविधा मौजूद है। इस पहाड़ी पर उड़ान भरने की बेहतरीन साइट मौजूद है और हवा का वेग भी सही है। यही कारण है कि पैराग्लाइडर डूंघाधार की पहाड़ी पर पहुंचकर वहां से उड़ान भरने के बाद जांच गांव के पास मौजूद खेतों में लैंड कर रहे हैं। कांगड़ा से आई अनमोल, दिल्ली से आए विशेष, मसूरी से आए शेरू, पंजाब से आए अर्शदीप और स्थानीय पैराग्लाइडर निर्मल ने बताया कि उन्हें यहां पैराग्लाइडिंग करके बहुत ज्यादा आनंद आया। इट वॉज सो गुड, द फ्लाइट वॉज सो गुड एंड द व्यू इज आउटस्टैंडिंग। नो वर्ड्स। आई थिंक लैंडिंग एरिया थोड़ा क्लीन होना चाहिए एंड टेक ऑफ एरिया थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूव होना चाहिए सो दैट। सर बहुत बढ़िया था जी लैंडिंग जोन। यहाँ पे बिलिंग की आदत पड़ी हुई है, वहाँ पे बड़ा सा लैंडिंग जोन है, यहाँ छोटी लैंडिंग। चलो अब नई है, नई सेट है अभी। हाँ तो मजा आता है कि इतने में ही करना है, घूमना है। और यहाँ का टेक ऑफ बहुत बढ़िया है। और आपको वैली कैसी लगी इधर की? वैली बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर है। हम ऊपर रुके थे रात को, पूरी वैली का रात को भी देखा। खुद सीखने और एक्स्ट्रा और सिखाने अगर हो सके तो फ्यूचर में ठीक है, जाना चाहिए। बहुत सुंदर जगह है क्योंकि बहुत अच्छा इधर का खूब नजारा मिला है और बहुत ही अच्छे लोग हैं इधर के, बहुत ही अच्छा प्यार दिया है हमको। बिल्कुल आना चाहेंगे जी। मैंने यहाँ खुद 2 साल से फ्लाई की है, सोलो फ्लाई की है, तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं पिछले 10-12 साल से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ खुद, तो मेरे हिसाब से जितनी मैंने साइटें देखी, हर साइट का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। पर यहाँ भीड़ के बाद मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला वो यहाँ ज्योणी वैली पैराग्लाइडिंग साइट में मिला, काफ़ी बड़ी साइट है। वहीं घाटी में पैराग्लाइडरों के आने से लोगों में भी खुशी की लहर देखने को मिली है। जिला परिषद सदस्य हुकुम सिंह, स्थानीय निवासी प्रिंस ठाकुर और व्यापार मंडल जांच के सचिव रवि शर्मा ने सरकार से डूंघाधार से जांच साइट को आधिकारिक तौर पर मंजूरी देने की मांग उठाई है। जो एक नई साइट डूंघाथर से जांच, जहां पर पैराग्लाइडर लगातार आ रहे हैं और पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। चाहे हमारे दूसरे धार्मिक पर्यटन की बात हो, चाहे माता शिकारी की बात हो, चाहे देव कमरुनाग की बात हो, पर्यटक लगातार यहां आ रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में यह घाटी जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है एक अपने आप में एक विकसित होगी और आप सभी, हम सभी को इसका लाभ मिलेगा। आज डूंघाथर से जांच पैराग्लाइडिंग साइट पे बहुत सारी उड़ानें हुई, जिसको देखकर हमारी ज्योणी वैली के लोगों में बहुत उत्साह है। और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि अन्य पैराग्लाइडर भी यहां आए और इस हमारी साइट डूंघाथर से जांच के बीच उड़ाने भरें और यहां की सुंदर वादियों का आनंद लें। ज्योणी वैली के लोगों को डूंघाथर से जांच पैराग्लाइडिंग साइट के शुरू होने पर बधाई देता हूं। इस पैराग्लाइडिंग साइट के शुरू होने से ज्योणी घाटी में रोजगार के नए अवसर युवाओं को प्रदान होंगे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।